फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का कॉल लॉग ओपन करना है। ये जो कॉल लॉग होता है, ये वाला कॉल लॉग, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। अब इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इस पेज में अपने मोबाइल फोन की सिम को सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका पेज इस तरीके से रीडिंग सेटिंग होगा। थोड़ी देर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए पेज आता है। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल नंबर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में पहले भी एक बार जो है कॉल फॉरवर्डिंग किया था, इसलिए ये मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन में इस वाले पेज पे कोई भी नंबर दिखाई नहीं देगा। आपको इस जगह पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। देखिए मोबाइल नंबर एंटर कौन सा करना है, आपको ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। समझ में आ गया? तो ये मोबाइल नंबर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो अब आपको इसे ऑन का बटन टैप करना है, तो आपका पेज अपडेट होने लगेगा। यहां पर आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो जाती है, यानी कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे अब काम करेगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है ना, कोई भी पर्सन जब मेरा मोबाइल नंबर डायल करेगा ना अपने फ़ोन में, तो वो जो कॉल होगी ना वो मेरे मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएगी। अब वो कॉल इस वाले नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना।